2020 से पहले ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हील करना है, ठीक है। मैंने ये पिक शेयर करी थी, इसमें देखो ये वाइट ब्लैक को हग कर रहा है, तो ये जो ब्लैक है ना, ये शेडो पार्ट है। अब शेडो क्या होती है? हमारी परछाई। मैं इस चीज़ पे इतना लेट क्यों आई हूँ? बिकॉज़ मुझे खुद को ना शेडो, डार्क एंटिटीज़, मुझे ना इन सब चीज़ों से बहुत डर लगता था। मुझे लगता था कि आई एम अ लाइट वर्कर, मैं तो वाइट, मैं हमेशा लाइट से रिलेटेड काम कर रही हूँ, डिवाइन पावर। बट यही सब तो सबसे बड़ी गलती होती है कि आपको अपनी शैडो को या जो डार्क एंटिटी है उसके बारे में पता होना बहुत ज़रूरी होता है उससे डील करने के लिए। नहीं तो कोई चीज़ जब अननोन होती है तो वो तो बहुत ही फियरफुल होती है। कम से कम आपको उस चीज़ के बारे में पता है तो आप उससे डील तो कर सकते हो, क्योंकि वो बार बार आपके दरवाजे पे खटखटाएगा। और मैं इस तरीके से बात करूँ इसका मतलब नहीं, यहाँ पे हमारी खुद की शैडो की बात हो रही है। जो ऐसे मान लो किसी पर्सन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, लेकिन उसने उसको अंदर दबा रखा है, अब वो क्या बहुत ज़्यादा सार्कास्टिक वे में लोगों से बात कर रहा है। अच्छा, तेरे पास बहुत पैसे हैं, तो अपने आप को क्या समझता है? या वो हमेशा ना गुस्से में ही भरा बैठा रहता है, लेकिन जब आप उसको बोलो कि तुम्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, या वो हमेशा चिड़चिड़ करता रहेगा, क्योंकि उसने एक्सेप्ट नहीं किया कि उसका कोई पार्ट बहुत ज़्यादा एंग्री है। या कोई पर्सन है जो बहुत ही ज़्यादा हर्ट फील करता रहता है, उसको हमेशा ऐसा लगता है कि उसको लोगों ने इस्तेमाल कर लिया, उसको लोगों ने यूज़ कर लिया। तो अब जब तक आप उस इस शैडो सेल्फ से डील नहीं करोगे ना, तो आप हर रिलेशनशिप में, हर सिचुएशन में उस चीज़ को अट्रैक्ट करते रहोगे। यू विल रिक्रिएट द सेम सीन ओवर एंड ओवर अगेन, एंड यू विल सफ़र, और उससे ज़्यादा और आप करोगे। तो इस एक्सरसाइज को करने के लिए आपको क्या करना है? कॉपी पेन ऑफकोर्स उठाना है, और फिर आपको ये 6 पॉइंट्स लिखने हैं। एक तो फर्स्ट पॉइंट, ऐसी कौन सी सिचुएशन थी जब आपने एक विक्टिम की तरह फील किया, जब आपको ऐसा लगा कि आप हालातों के शिकार हो? दूसरा, ऐसी कौन सी सिचुएशन थी जब आपको ऐसा लगा कि आप कितना भी कर लो, आप कभी भी दूसरों के लिए इनफ नहीं होगे, आप उनको कभी सेटिस्फाई नहीं कर सकते, दूसरे कभी भी आपको आपके लिए प्यार नहीं करेंगे? तीसरा, जब आपने किसी पर्सन को बहुत ज़्यादा जज किया, मान लो कोई आपसे पैसों के मामले में ऊपर नीचे है फाइनेंशियली, या कोई किसी रिलेशनशिप में है, या किसी भी तरीके से आपने किसी पर्सन को बहुत ज़्यादा जज किया, आपको ऐसा लग रहा हो कि ये ऐसा क्यों है ना आपको? चौथा, जब आपने बहुत ज़्यादा खुद को पेन में फील किया हो, जब आपको ऐसा लगा हो कि आप बहुत ज़्यादा हर्ट हैं, और ये सब सारे शैडोज़ के पार्ट है। पाँचवा, जब आपने चीज़ों को बहुत हेट किया हो, किसी सिचुएशन को, किसी पर्सन को, अपने किसी टाइम पीरियड को, जो हो चुका है या जो चल रहा है, इसमें सारी चीज़ें इंक्लूड होंगी। एंड छठा, फीलिंग फ्रस्ट्रेटेड ऑफ कोर्स, जो हमेशा हर किसी को फील हो रहा था कि वो स्टक हैं, वो फ्रस्ट्रेटेड हैं। तो इन 6 पॉइंट्स में से अब आपको ऑब्जर्व करना है कि किस चीज़ को लेकर के आपको सबसे ज़्यादा ऐसी फीलिंग्स आ रही हैं। बहुत आपको ऐसा लग रहा है कि इस चीज़ के ऊपर आप बहुत कुछ लिख सकते हो, लाइक फ्रस्ट्रेशन के ऊपर आपने लिखना शुरू किया। मैं कितने दिनों से अपना करियर बनाने की सोच रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि एक स्टेबल लाइफ मुझे मिल जाए, या मैं चाहती हूँ कि मुझे एक पार्टनर मिल जाए जो मुझे प्यार करे, लेकिन मुझे कोई मिलता ही नहीं है। मुझे उस पर्सन से प्यार हो गया जिसे मैं बिल्कुल जो मुझे बिल्कुल रिस्पॉन्ड नहीं करता, और मैं स्टक हूँ। मतलब इस तरीके से आपको पूरे अपने इमोशंस को बाहर निकालना है, जो आपकी शैडो सेल्फ है, जो शैडो सेल्फ है ना, इसको पूरा बाहर आने देना, क्योंकि अभी आपने इसको अपने अंदर यहाँ डाल रखा है। जैसे वो बाहर आने लगती है ना, तो आप इधर उधर, मेरे व्यूअर्स तो नहीं, मुझे ऐसा लगता है मैंने इतनी एक्सरसाइजेस दी है, होपफुली वो ये सब कर रहे हैं, इधर उधर चले गए, दोस्तों के पास चले गए, टीवी देखने लग गए, सो गए, है ना, कुछ भी करने लग गए, उस शैडो सेल्फ को अंदर दबा दिया। फिर वो बाहर आती है, कभी गुस्से के रूप में, कभी रोने के रूप में, कभी दिल भारी हो रहा है इसके रूप में, बट आपने उसको फिर अंदर दबा दिया। तो उसको ना खुल के, फट के बाहर आने दो, मतलब उस शैडो को, कि वो 5, 6, 7, 8 पेज आपने गालियाँ गालियाँ लिखी। जैसे कि मान लो मैं अपना एग्जांपल दूँ कि मैं जब पहले ड्राइविंग करती थी और कोई मुझे कट करके जाता था, मुझे हद से ज़्यादा गुस्सा आता था। मतलब मुझे लगता था कि मुझे इतना गुस्सा क्यों आ रहा है, तो मैंने लेकर के पेपर के ऊपर एक बार बैठ के लिखा कि मुझे वो लोग बहुत इरिस्पॉन्सिबल लगते हैं जो कैसे सड़कों के ऊपर गाड़ी चलाते हैं। उनको ये नहीं पता कि उनकी एक गलती की वजह से कोई इंसान की जान जा सकती है, उसकी फैमिली अनाथ हो सकती है। तो ये मैंने ना सारी फीलिंग्स ना एक साथ पूरी बाहर निकाल दी। अब ये है कि अब मैं जब जा रही होती हूँ तो मुझे, मतलब
शांत रहते हैं, तो मेरे को लगता है कि मतलब या तो इसको अक्ल नहीं है या ये जल्दीबाजी में, मैं क्यों अपनी एनर्जी इतनी वेस्ट कर रही हूँ ना, वो पहले ही कट मार के चला गया है। अगर कुछ होगी तो होगा, तो देखी जाएगी, वैसे भी कुछ होगा तो हम उसको कंट्रोल कर नहीं सकते। मैं बस क्या कर सकती हूँ, आई कैन ओनली वर्क ऑन माई सेल्फ, माई इमोशंस। मैं अपनी गाड़ी धीरे चला सकती हूँ, मैं अपनी गाड़ी ट्रैफिक रूल्स के हिसाब से चला सकती हूँ, मैं अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकती हूँ, बाकी दूसरे पर्सन को मैं कंट्रोल नहीं कर सकती हूँ। मैं ये ज़रूर हो सकता है कि मतलब कोई सिचुएशन ख़राब हो और मैं उसके अंदर गुस्सा करके उसको और ख़राब कर दूँ, तो मैं कोशिश ये करूँगी कि मैं हर सिचुएशन को अच्छा करने की कोशिश करूँगी ना। तो इसीलिए आपको क्या करना है कि आपको अपनी शैडो को बोलने देना है, मतलब उसको उसको खुल के बोलने दो कि ये है मेरे साथ इतना बुरा हुआ है, मुझे ये होना था। जब वो पूरा निकल जाए तब उसको अनकंडीशनल लव भेजो। फिर जो जैसा हम ये जो इनर चाइल्ड वर्क है, ये सारे वर्क शैडो वर्क ही तो है। इसके अंदर हम सारी जिस भी वर्क के अंदर अंदर हम अपने अनरिजॉल्व इश्यूज से डील कर रहे हैं, हम अपने ऐसे इमोशन से डील कर रहे हैं जिनसे हम डे टू डे बेसिस पे डील नहीं करते हैं, वो सब शैडो वर्क में ही आता है। अब ये सब लिखने के बाद में ऑफ कोर्स आपको उस पेपर को जला देना है। अब शैडो वर्क का ये है कि जब भी आप शैडो वर्क करेंगे तो आप एक नेगेटिव उसमें जाएंगे ही, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट डीलिंग विथ नेगेटिविटी। तो उस वर्क को करने के दौरान आपको ऑफ कोर्स रोना आ सकता है, आपको नेगेटिव फील हो सकता है, यू कैन फील डाउन, बट उस वर्क को करने के बाद में आप बहुत निखर के बाहर आओगे। लेकिन इसको बहुत रोज़ नहीं करना है, इसको महीने में आप एक बार करो। तो पहले तो आप महीने में एक बार करोगे, फिर मुझे लगता है कुछ टाइम के बाद में आपकी शैडो आप समझ जाओगे, आप अपने पॉइंट समझ जाओगे। जैसे अभी मैं समझ गई हूँ, अभी रिसेंटली जब मैंने कंसल्टेशन जब देना शुरू किया, तब एक बार ऐसा हुआ कि अब इसको आप मेरा पेन बॉडी एक्टिवेट होना बोल लो, कि इसको शैडो का आना बोल लो, कि इसको लो वाइब्रेशन बोल लो, कि एक बार मुझे ऐसा लगा कि मैं तो बहुत नीचे जा रही हूँ, तो मुझे खट से पता चल जाता है। मैं क्राइड आउट लाउड बहुत ज़ोर से रही, फिर मैं कुछ मंत्र करती हूँ, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करती हूँ, वो मैं आपको ना नेक्स्ट वीडियोज़ में बताऊँगी। अभी मैं आपको सारी साइकोलॉजिकल चीज़ें बता रही हूँ जिससे कि आपको अपने बारे में पता चलेगा, अपने बचपन, अपनी पर्सनैलिटी के बारे में। फिर जो चैंट्स वगैरह मैं बताऊंगी वो क्या काम करते हैं, दे आर लाइक अ मेडिसिन। जैसे आपको एक डॉक्टर मेडिसिन देता है ना, आपको ये थोड़ा ना बताता है कि इसके अंदर ये है ये है ये है, आप इसको लोगे तो ये इस चीज़ को ठीक करेगा, नहीं। वो मेडिसिन आप खाते हो और आपको बेटर फील होना शुरू होता है। तो चैंट्स और ब्रीदिंग एक्सरसाइज एक ऐसी चीज़ है कि वो अंदर जाके आपकी ऑरा को इंक्रीज करके सारी नेगेटिविटी को बाहर निकालती है। तो पहले मैं आपके सारे कंसेप्ट क्लियर कर देना चाहती हूँ, फिर आपको चैंट्स और ये सब दूंगी, जिसको आपको बस जैसे ही लो फील करो, डाउन फील करो, तो आपको उन चैंट्स को करना है। एंड या कोई मेडिटेशंस भी मैं बनाऊंगी जिसको लगा के आप सो गए, तो ठीक है, अपनी शैडो पे काम कीजिए, अपनी वाइब्रेशन को हाई कीजिए, क्योंकि 2020 में हमें इस दुनिया को चेंज कर देना है। ओके, बाय।